आज के हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूला। तो फॉर्मूला की सीरीज में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रेफरेंसेस फॉर्मूला, क्योंकि लास्ट क्लासेस में हमने डेट एंड टाइम फॉर्मूला को डिस्कस किया था। अब हम बात करेंगे लुकअप एंड रेफरेंसेस में रेफरेंसेस फॉर्मूला के बारे में कि रेफरेंसेस फॉर्मूला आखिर होता क्या है। ओके तो सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं एड्रेस। अब जैसे कि आपके सामने ये आपका B2 है, ये आपका C2 है, लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने आपको दिया रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम दिया, अब इसमें रो नंबर मान लीजिए 5 है, कॉलम नंबर 7, तो इसका एड्रेस क्या होगा? तो इसका एड्रेस होगा रो एंड कॉलम पे रखिए, आपका एड्रेस यहां पे आ जाएगा G5। ओके तो ये एड्रेस बनाता है राइट सर। देखिए इस एड्रेस का डेटा, सिर्फ एड्रेस दिया ना मुझे, इस एड्रेस का डेटा चाहिए। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा 652, तो मुझे 652 चाहिए। तो इसके लिए हम यहां इनडायरेक्ट के अंदर जाते हैं और ये 652 देते हैं, तो इसका डेटा है। अब बात आती है कि इसका बेनिफिट क्या है। तो इसके लिए हम आपको एक लाइव प्रोजेक्ट दिखाएंगे। कुछ दिन पहले मेरे पास किसी स्टूडेंट का या किसी व्यूअर थे हमारे, उन्होंने मुझे एक डेटा भेजा है, चलिए उसी पे हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इनके पास डेटा कुछ इस तरह का है। यहां पे आप देख रहे हैं कि पूरी की पूरी एक अटेंडेंस सीट है और दूसरे सीट पे मुझे यहां पे टोटल बी एंड टोटल ए को कैलकुलेट करना इस इंप्लॉई आईडी के बिहाफ से बिटवीन दिस डे। बात समझे? क्या करना आ गया? अब प्रॉब्लम यह है, सबसे पहले इस चीज को जानते हैं कि हम बिटवीन कैसे लें। मतलब कि अगर मुझे मुझे पता करना है कि ये हमारा जनवरी का डेटा है, ठीक है सर, ये हमारा जनवरी का डेटा है, ऊपर 7/1 सिस्टम, या कोई भी डेट यहां देता हूं मैं जुलाई का डेटा, ये हमारा जुलाई का डेटा है। तो मुझे पता करना है ये है कि राजेश जो है 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई के बीच में कितना दिन प्रेजेंट या कितना दिन अब्सेंट रहा, या 7 से 20 जुलाई या 20 से 25 जुलाई। तो सबसे पहले चीज को जानिए कि मुझे दो डेट को काउंट कैसे करेंगे। अगर बिटवीन टू डेट्स है तो हम काउंट कैसे करेंगे? तो मैं डेट को यहाँ कॉपी पेस्ट किया है और यहां पे मान लीजिए कि मैं 1 जुलाई और यहां पे मैं 7 जुलाई किया हुआ। तो देखिए काउंट इफ का फॉर्मूला होता है, बट काउंट इफ के फॉर्मूले अब मैं आप सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डेट को काउंट कर सकते हैं, बट मुझे दो कंडीशंस है ना, तो दो कंडीशंस के लिए मैं यहां काउंट इफ्स का इस्तेमाल करूंगा। काउंट इफ्स क्राइटेरिया, हमने रेंज को सिलेक्ट किया और क्राइटेरिया दिया ग्रेटर देन इक्वल टू एन परसेंट लगाया और दिया ये जुलाई। बोलेंगे 31 आया तो हमने ग्रेटर देन किया हुआ है ना। फिर मैं यहां वापस इस रेंज को सिलेक्ट करता हूं और बोलता हूं लेस देन इक्वल टू 7 को सिलेक्ट कर, ये बता चल गया 7। अगर बीच में कोई डेट डिलीट करता हूं तो 6 हो जाए। तो बिटवीन टू डेट्स को काउंट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एन परसेंट के साथ काउंटिंग। बट प्रॉब्लम यहां पे अलग है, क्यों? क्योंकि मुझे दो चीज मैच करनी है, एक मैच करनी है हमारा कॉलम में एम्प्लॉई कोड और दूसरा मैच करना है रो में नंबर्स ऑफ पी, नंबर ऑफ पी के।
अगर मैं काउंट इफ लगाऊं यहाँ पे काउंट इफ्स की काउंट इफ्स और मैं क्राइटेरिया में जाऊं और यहाँ सेलेक्ट करूं और बोलूं कि ए होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू हमने लिख लिया बी टू और फिर इसको सिलेक्ट किया और बोला कॉमा लेस देन इक्वल टू आना चाहिए बी थ्री बी नहीं है मार्क कीजिए सी थ्री है सी वन सी टू है रेफरेंस में चेंज कर देता याद नहीं था समझे ये तो बिटवीन डेट को काउंट करके दे दिया ना सर सेवन आ गया लेकिन इसके अंदर प्रेजेंट कितना है तो अब प्रेजेंट कितना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि इस राजेश का क्योंकि तो मुझे अगर यहाँ पे मैंने कर दिया कि अटेंडेंस पे जाए और राजेश को सेलेक्ट करे और इसमें पी को मैच करे अब बट प्रॉब्लम है कि इस 5x5 जो हमने सेलेक्ट किया ये तो सिर्फ राजेश का है ना अगर तो आपके डेटा में राजेश की जगह पे कुछ भी हुआ तो बात समझे कि सर जी प्रॉब्लम समझ में आ गया हाँ जी ये जो 5x5 का जो एड्रेस है ये एड्रेस इसके अकॉर्डिंग मैच करके दे और कैसे होगा तो हमारे पास एक मैच का फॉर्मूला होता है कि किसी भी सेल वैल्यू को हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लुकअप करता है क्या इसने बताया कि जो राजेश है अब 5 नंबर कॉलम में अब राजेश की जगह मान लीजिए राज होगा तो राज का भी बता देगा कि 14 नंबर रो में है मतलब कि 14 नंबर रो पे है समझे सर जी अब यहां पे अगला क्वेश्चन क्या आता है ये 14 आया ना सर तो हम क्या करेंगे यहां एड्रेस बनाते हैं कि हम 14 को सेलेक्ट करते हैं और इसी के साथ उस एक एड्रेस फॉर्मेट में इसको मर्ज कर देते हैं क्योंकि जैसे आपने देखा यहाँ पे 5x5 ऐसे लिखा हुआ है ना उस पर ये अटेंडेंस सीट का नेम है ना इस सीट के नेम को उठाते हैं और इसके साथ आगे हम फॉर्म का नेम लगा देते हैं अब एड्रेस बन गया बट इस एड्रेस को हम पिक नहीं इस एड्रेस को रीड नहीं करेगा क्यों क्योंकि जो एड्रेस है ये एड्रेस आपका टेक्स्ट फॉर्मेट में तो इसमें हम इनडायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और इसको कन्वर्ट कर देंगे रेफरेंस में और फिर इस मैच को यहां से कॉपी करते हैं और जहां हमारा D5 है वहां पे इसको फेस कर दे मर्ज करने के लिए अब इस पूरे फॉर्मूले को हम उठाता हूं और कहां डाल दिया यहां आंसर 6 हां जी आया ना क्योंकि जो राज है एक दिन अब्सेंट था इसको आप नीचे ड्रैग कर सकते हैं तो इनडायरेक्ट जब हमारा हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है तो इसी तरह से समझ गए सर यस सर इस एग्जांपल अगर आप समझ गए तो एक एग्जांपल आपको मेरी तरफ से करना है लेकिन मैं बताऊंगा थोड़े दिन में तो ए यूज होता है एड्रेस और इनडायरेक्ट का अब मान लीजिए कि मेरे पास अगर मैंने यहाँ पे क्वार्ट एक चीज और बताता हूं कि मैंने यहाँ पे वीक वन किया हुआ है डब्ल्यू वन कर दिया तो मुझे इस वीक का स्टार्ट डेट एंड एंड डेट चाहिए
समझे? और मैं मंथ यहाँ पे मान लीजिए नंबर मंथ यहाँ लिख दिया जाए, कैसे हो? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वन के साथ हम कंबाइन करेंगे जैन, और हम यहां देते हैं ये चीज, तो मैं बाद में करने वाला था, माफ कीजिएगा, ये करना था क्वार्टर वन। अगर मैं क्वार्टर वन कर दिया तो मुझे इसका, इस क्वार्टर का स्टार्ट एंड एंड पता चाहिए, मंथ पता करना है। क्या करेंगे हम, यहां से राइट का फॉर्मूला लेंगे और अलग करेंगे वन, फिर इसने हमारे पास कंडीशन इस तरह से लगा सकते हैं हम कि वन हो, इफ अगर ए इक्वल टू वन है तो यहाँ पे जैन आए, टू है तो यहाँ पे अप्रैल आए, तो ये लंबा हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम इफ ना लगा के इसमें हम चूज का फॉर्मूला लगा, चूज अब यहाँ देखिए आ गया जैन। अगर मैं क्वार्टर टू करता हूं यहां, तो ये आपका चूज फॉर्मूला है क्या, जैसे कि वन टू थ्री फोर इस तरह से नंबर में आपका दिया हुआ है, तो अगर आपका सीक्वेंस में आ रहा है तो चूज लगा दीजिए, बार बार कंडीशन देने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यहाँ पे जैन वन हुआ तो, टू हुआ तो फैन, थ्री हुआ तो मार्च, अप्रैल, इस तरह से उसी हिसाब से देखेगा। समझ गए? अब आता है असाइनमेंट जो मैं आपको देने वाला हूं। मैं छोटा सा डेटा बनाता हूं, आप भी उसी हिसाब से बना लीजिएगा डेटा, ठीक है? छोटा सा डेटा है कि हमारे पास नेम का लिस्ट है और यहां पे मंथ, ठीक है, नेम बाय मंथ बाय डेटा है। तो क्या करेंगे, वैन बिटवीन, अब मुझे क्या करना है कि इसमें मैंने अगर जैन दिया और यहाँ पे क्वार्टर वन दिया, तो मुझे यहाँ क्वार्टर सॉरी जैन ने पूजा दिया, पूजा दिया तो पूजा में क्वार्टर वन का सम चाहिए, ठीक है, यहाँ पे इन तीनों का सम करके यहाँ 92 ए आ, जी इसको आप लोग कीजिए, फिर अगली कल की क्लास में हम इससे आगे बढ़ाएंगे। तो फाइल भेज दीजिए मुझे ना, फाइल चाहिए होगा। हाँ जी, हाँ जी, सेंड कर दीजिए।